और किस सोसाइटी की बात कर रही है मोम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ये सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं करती है, रीडिंग रूम बेटा। बट आई डू विराट, मैं ऐसी मां बनके नहीं जीना चाहती जिसकी बेटे की शादी टूट गई हो और जिसका बेटा डिवोर्सी हो। उस बात का जिक्र नहीं करने दीजिए मुझे दिलदार जी, आज प्लीज मत रोकिए मुझे। बेटा तेरे टूटे रिश्ते ने मुझे अंदर से कितना तोड़ दिया है इसका अंदाजा भी है तुझे? तेरे लिए तो आसान था, एक बुरे एक्सपीरियंस के बाद दुनिया की सारी लड़कियों को बुरा कह देना, किसी से प्यार ना करना, दोबारा शादी ना करने की कसम खा लेना, तेरे लिए आसान था, लेकिन हमारे लिए नहीं, तब भी नहीं पर आज भी नहीं है। तू क्या चाहता है विराट? हम बिना अपनी बहू को देखे, पोता पोती को देखे, बिना अपने जमाई को देखे ऐसे ही मर जाए, चले जाए दुनिया से? पपिता जी प्लीज। सोसाइटी में रहकर सोसाइटी से कट के नहीं जी सकते। तू लड़का है इसलिए तेरे लिए सब आसान है, तेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए लोगों ने तुझे दोष नहीं दिया, लेकिन निम्मी, निम्मी का केस ही अलग है। लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़का तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, फिर आप लोगों के हाथ क्यों नहीं उठे आशीर्वाद देने के लिए? बेटा आजकल का टाइम ही ऐसा है ना कि बच्चों की शादियां देर से होती है, लड़कों की गर्लफ्रेंड बन जाती है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिससे प्यार हो जाए, जिसे हम पसंद करते हैं उसी से शादी हो जाए, कभी कभी ऐसा नहीं होता, इट्स ओके। मुझे तो खुशी है कि हम यहां देर से आए और निम्मी ने सही फैसला लेकर शादी कर ली, उसका घर बस गया। हाँ मैं खुश हूं निम्मी के लिए, इसी में निम्मी की खुशी है और हम सब की, पूरे परिवार की खुशी है। बेटा जिद मत कर, अंदर चल, निम्मी को हमारी जरूरत है। पता है मुझे कि तुझे ये बात गलत लग रही है, लेकिन तुझे भी समझ आएगा, आज जो भी हुआ सही हुआ। और निम्मी के साथ इससे ज्यादा सही तो हो ही नहीं सकता था। सुन लड़की, ये राज की बात जो आज तूने सुनी है, खबरदार अगर किसी और को पता चली तो। नहीं मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सोचना भी मत, हमारे परिवार के अलावा ये बात अब सिर्फ तुझे पता है। अगर ये बात किसी और को पता चली तो मैं जान जाऊंगी ये तूने किया है और जानबूझकर किया है। मैं जाने में भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करूंगी। मेरी आई ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि
घर की बात अगर घर की चार दीवारों में अपनों के बीच रहे तो ठीक रहती। एक दिन तू समझ जाएगी कि तेरे आई ने ऐसा क्यों किया, तेरी आई तुम लोगों को छोड़ के क्यों चली गई। समझ जाना तू, मेरी आई की मजबूरी समझ जाना। तू मेरी समझदार बेटी है और इस बात के लिए मुझसे कभी नफरत मत करना। नहीं करेगी तो। और हर्षु, तेरा पगला लड़का, तू ना अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ा डॉक्टर बनना, नाम कमाना है, इज्जत कमाना। मेरी चिंता कभी मत करना। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर नहीं जी सकता, लेकिन रोना नहीं। और तेरी इस ताई को भी कभी रोने मत देना। अब तू बड़ा हो गया है, हर्षु बड़ा हो, ये समझ लेना कि तुम्हारी आई और तुम लोगों का साथ बस यही तक था। अब सब खत्म हो गया, आगे आई नहीं होगी तुम लोगों के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। मेरे बच्चों थाट, अब तो मेरी शादी हो गई है ना, अब ये सब करने का क्या फायदा? और जब मैं राजीव को माफ कर चुकी हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरी खुशी चाहते थे ना डैड, पर मेरी खुशी तो राजीव के साथ रहने में है ना। ये बात वो अमृता नहीं समझती, बट मॉम समझती। मैं भी समझती हूँ और दिलदार तुझे भी समझना होगा। देख, मैं तेरे के हाथ जोड़ती हूँ निम्रत के ब्याह को मंजूरी देने। बेटा, राजीव मान गया है ना, वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा। और मिट्टी पाओ ना उस बात पे, आगे बढ़ो। निम्रत की विदाई भी तो करनी है ना बेटा। हाँ दिलदार जी, खुशी खुशी विदा करते हैं ना अब हमारी बच्ची को। अब तो शिखावत जी की कोई शर्त नहीं रही, डील भी कैंसिल हो गई है। आप भी मान जाइए ना। मान गया दिलदार। चलो आगे बढ़ो, निमी की विदाई करनी है बेटा। नहीं बेबे, भाई के बिना नहीं। निमी, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। नहीं आएगा वो आएंगे मॉम, और जब तक भाई नहीं आएंगे मेरी विदाई नहीं होगी।
प्यार हो जाए, जिसे हम पसंद करते हैं उसी से शादी हो जाए। मुझे तो खुशी है कि हम यहाँ देर से आए और निम्मी ने सही फैसला लेकर शादी कर ली, उसका घर बस गया। राजीव के खिलाफ सबूत लाने में शायद मैंने देर कर दी, वरना ये सब नहीं होता। अब सर से कहूं भी तो क्या कहूं। भाई सुना, ऊपर सब तरह वेट कर रहे हैं विदाई के लिए। मिनित भी कह रही है कि जब तक तू नहीं आएगा तो विदाई नहीं करेगी वो। तो ना करे, क्योंकि मैं नहीं आऊंगा। ऐसे घटिया और झूठे इंसान के हाथों में अपनी बहन का हाथ नहीं सौंपूंगा। शिकी तुझे आइडिया नहीं है मुझे मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा है। जस्ट हेट माय सेल्फ राइट नाउ। काश मैं उस बैंकर की बात सुन लेता। अगर उसकी बात सुन लेता ना तो ये सब। मिम्मी ने अपनी मन की किया, उससे अपने मन की सुन के ये शादी की तो विदाई भी अपने मन की सुन के कर लेगी। तो समझ शेखी प्लीज, मैंने कह दिया ना नहीं आऊंगा। जितनी ब्रो गलत राजीव है, निमृत नहीं। अब निम्मी भी गलत है, उसने गलत का साथ जो दिया। मजबूर होके सर, समाज से डर के, अकेले रह जाने के डर से। समाज लड़कियों को बार बार ये एहसास दिलाता है कि शादी का टूट जाना जिंदगी का खत्म हो जाना है। अरे जिंदगी कोई हलवा है क्या, जो खाया पिया और खत्म हो गई? तो मानती हो उन बकवास बातों? मैं नहीं मानती सर, लेकिन अगर समाज बार बार लड़कियों को ये एहसास दिलाता रहेगा, उन पे प्रेशर बनाएगा और खासकर अपने परिवार वाले प्रेशर बनाएंगे तो लड़की क्या करेगी? निमृत की सोच गलत हो सकती है, उसका दिल नहीं। शादी करने के लिए उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ी तो बधाई के लिए क्यों? क्योंकि वो किसी और के घर जाए। जिसे उसने अपनों को ठोकर मार के चुना। तुम एक्चुअली चाहती हो कि ऐसे घटिया इंसान के हाथ में अपनी बहन का हाथ सौंपूं? ऐसे करूं उसकी बधाई? इन लोगों के घर पे नेवर। मैं नहीं कह रही सर, ये मैं देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि लोग अक्सर अपना फैसला अपनी समझ से लेते हैं। हम उन्हें राय दे सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी थोप तो नहीं सकते ना उनपे। भले ही हमें पता हो कि वो गलत फैसला ले रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फंस जाएंगे, मुसीबत होगी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और अब वो किस मजबूरी में आकर ये फैसला ले रहे हैं हम समझ नहीं सकते। जिस बात को हम समझ नहीं सकते, उस बात के लिए हम किसी को जज करें ये भी तो सही नहीं है ना सर। मिस बैंकर, यही कि वो निमृत को उस घर तो जाना ही है ना। तुम एक्चुअली चाहती हो कि मैं निम्मी को इन धोखेबाज लोगों के घर भेजूं? कहीं तुम्हें सडनली ये राजीव पे भरोसा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सर, उस राजीव पे मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं है, ये बात आप जानते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप निमृत का भरोसा मत टूटने दीजिए। होपिंग अगेंस्ट होप मैं यही मना रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और वो राजीव बदल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निमृत उस घर में अकेली पड़ जाएगी। अगर निमृत पर उस घर में कोई मुसीबत आ गई तो वो वहां अकेली पड़ जाएगी।
उसे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो आपके पास अपने घर लौट कर वापस आ सके। अगर आप नाराज रहेंगे तो वो नहीं आ पाएगी, उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसकी शादी हो। फेरे हो चुके हैं मिस बैंकर, उसकी मांग में सिंदूर भर चुका है और वो विदा होने के लिए तैयार है, तो अब सब कुछ एक्सेप्ट करके वी शुड मूव ऑन, यही कहना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं सर ये कह रही हूँ कि निमृत ने अपनी मर्जी से उस राजीव को चुना है, इसीलिए वो शायद उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बहन का साथ छोड़ देंगे। फैमिली ऐसे तो नहीं होती ना सर, फैमिली में तो हम हर सूरत में अपनों का साथ देते हैं ना। निमृत ने आज जो कुछ भी कहा आपसे, आपका हर्ट होना बिल्कुल जायज, लेकिन उस गुस्से में आप अपनी बहन का साथ छोड़ देंगे ना तो गलत आप हो जाएंगे। रोना बंद कर भवानी, रोना बंद कर दे, वरना वरना तू कमजोर पड़ जाएगी, तुझे ये करना ही होगा, करना होगा तुझे अपने अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। मामू, तेरे आई के पास ना और कोई रास्ता नहीं था रे, हो सके तो मुझे मुझे माफ कर देना, लेकिन ये अब ऐसा ही खत्म करना होगा और तुझे ना तुझे वापस इन बाबा बनना होगा। मैंने बात की, उसने मना कर दिया, वो बहुत गुस्से में है अभी। हाँ हूँ। मगर अपनी बहन के लिए तो आना ही था। आखिर विदाई जो है भाई, मुझे पता था आप मान जाओ। देखा राजीव, मैंने कहा था ना मेरा भाई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो विदाई की रस्म शुरू करें। Sure. बस एक छोटी सी शर्त है मेरी। छोटी सी क्या शर्त विराट, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो विदा होने के लिए तैयार हो जा। क्या क्या, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आज यहां से विदाई मेरी बहन की नहीं होगी, आपके लाडले बेटे की होगी। क्या मजाक कर रहा है विराट, ही इज जस्ट किडिंग। मजाक कर रहा हूं, शक्ल देख मेरी, हंसी आ रही है किसी को? नहीं ना, I'm damn serious bro। तूने ही कहा ना अभी कि जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा, तो अब तेरे भाई ने ये बोल दिया है तो तुझे करना तो पड़ेगा।
इसलिए अब से तू अहूजास का घर जमाई बन के रहेगा। सर, अगर निमृत राजीव की असलियत देखना ही नहीं चाहती, अगर उसे वाकई लगता है उसे ये शादी निभानी चाहिए, शादी में रहना चाहिए, तो रहने दीजिए ना, बस उसे अपनी आंखों के सामने रहने दीजिए। पर ऐसा पॉसिबल कैसे? तुमने सुना नहीं वो विदाई की बात कर रही? तो आप विदाई करवाइए ना, लेकिन निमृत की नहीं, राजीव की। उस राजीव को उसके घर से अपने घर लेकर आए, ताकि वो हर वक्त आपके और आहूजा सर के नजर के सामने रहे। इनफैक्ट आपके परिवार के हर इंसान के नजर के सामने रहे। अगर ऐसा होगा ना सर, वो चाह कर भी निमृत का कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। थैंक गॉड सर ने मेरी बात सुन ली और निमृत को शेखावत के घर नहीं जाने दिया। कैसी बातें कर रहा है ये विराट? दिलदार जी, हाँ, कभी इस तरह लड़के की विदाई होती है क्या? समझाइए अपने बेटे को। हमारे में ये रिवाज भी नहीं है। रिवाज की बात कर रहे हैं? रिवाज तो ये भी नहीं होता कि इंसान जिससे शादी करे उसे चीट करे, उसे धोखा दे, पर आपके बेटे ने किया ना। उसके बाद भी हमने इसे एक्सेप्ट किया, तो ये शर्त भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अमृता, आपने विराट को बहुत अच्छी एडवाइस दी है। हाँ, लेकिन इतना ड्रामेटिक थोड़ी करने के लिए कहा था। ये विराट सिंह आ जाए, ये इसका अंदाज है, ड्रामा क्वीन अंदाज। अरे बेटा, तुम समझो, माना कि राजीव से गलती हुई, लेकिन उसकी सजा इसे घर जमाई? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे घर जमाई बनने से कोई नाक थोड़ी नहीं कट जाती है। मैं भी तो घर जमाई हूँ, कब से बेबी क्या रह रहा हूँ, मेरी तो इज्जत कम नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता। बेबे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लो। तभी तो विराट ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल करेक्ट लिया है, जमाई जी की विदाई का। मैं विराट के डिसीजन के साथ हूँ। थैंक्स डैड। दिलदार सर जानते हैं कि शेखावत ने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, और सर की बात टालना मतलब उन पैसों को खो देना, जो शेखावत कभी नहीं चाहेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? आप लोगों को अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लीजिए, वी विल वेट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, राजीव की विदाई हमें मंजूर है। ये हुई ना बात। कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई। भाई, आज से ऑफिशियली तो अहूजास का घर जमाए। एंड ऑल द बेस्ट। अरे तूने थोड़ी देर पहले निम्मी को बोला ना कि तू उसे उसे बहुत प्यार देगा, उसे सपोर्ट करेगा, लॉयल रहेगा। प्रॉमिस किया तो निभाना तो पड़ेगा ना, इसलिए ऑल द बेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, तुझे जरूरत पड़ेगी ऑल द बेस्ट की। विराट, कम से कम आप तो साइड मत। तूने अपनी मन की उसके बाद ही मैं अपने मन की कर रहा हूं, और तेरे राजीव ने तुझसे ऐसे शादी करके तेरी ड्रीम वेडिंग का सपना तोड़ा है। एक के बाद एक दो गलती की है इसने। मैं तो बस इसे अपने पास रख के सुधरने का मौका दे, एक आखिरी मौका दे रहा हूं अपने दोस्त को अपनी गलती सुधारने का।